हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के नौवें चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डेरिवेशन करने वाले हैं। आपको बता दें बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इस चैप्टर में कम से कम 5 से 6 डेरिवेशन तो इतने इंपॉर्टेंट है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 सेट में पूछे जाते हैं। उन्हीं में से आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक जो हमारा है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। बहुत बार पूछा गया बच्चों और हर साल पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से आज इसका निपटारा हम कर देते हैं। जो बोलते हैं ना, फिजिक्स बहुत ही ज्यादा टफ है, कुछ नहीं है रसगुल्लों, फिजिक्स कोई खूंखार जानवर नहीं है जो खा जाएगा। आप समझिए थोड़ा, है ना, चीजों को समझने से ही चीजें आसान होती हैं। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है बच्चों, एक गोली अवतल पृष्ठ, अवतल यानी दबा हुआ तल, ठीक, अवतल पृष्ठ है। तो शुरू में हम लिखेंगे क्या, आप गौर से सुनिएगा रसगुल्लों, वही आपको थोड़ा आगे सबसे पहले यानी डेरिवेशन करने से पहले ऊपर आपको लिखना होगा कॉपी में। ठीक, चलिए देख लेते हैं लिखेंगे क्या। सबसे पहले लिखेंगे, माना एस पी एस डैश एक गोली अवतल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। अब दो माध्यम कौन कौन से हैं बच्चों? एक कांच हो गया और एक क्या हो गया, वायु। यानी जो दो माध्यमों को अलग करता है, ठीक है ना, कांच क्या है, सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम में है। ठीक, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः क्या है बच्चों, N2 तथा N1 है, या N1 N2 लिखिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। अपवर्तनांक क्या है, N1 व N2 है। अब इसमें गौर से समझिएगा बच्चों, यहां पर क्या है कि इसमें माना, फिर आगे लिखेंगे कि माना किसी बिंदु O पर, ठीक, O पर एक वस्तु रखी है। अब जब O से यहां पर वस्तु रखी है तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, गोली अवतल पृष्ठ पर बिंदु A पर आपतित होती है यानी गिरती है। ठीक, यहां पर जब गिरती है बच्चों तो यहां पर FAC, गौर से देखिएगा बच्चों, ये F है, ये A है, ये C है, तो ये क्या है, अभिलंब, ठीक है ना, FAC अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। हमने क्या कहा, फिर से सुनिए बच्चों, कि माना किसी बिंदु O पर एक वस्तु रखी है और वस्तु से चलने वाली जो किरण है यानी OA है, ये क्या है, अभिलंब FAC, यानी इस पर एक अभिलंब खींच दिया है। तो हमें पता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बच्चों ये देखिए, सीधी ना जाकर थोड़ा इसकी ओर झुक गई है, ठीक है ना। और जो दूसरी किरण है OP है, ठीक, O और P, इधर देखिए दूसरी किरण है बच्चों, वो क्या होती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, अब यहां से देखिएगा बच्चों, अगर हम ये AB को, ठीक है ना, जो हमने किरण यानी जो अभिलंब की ओर झुकी है, AB को अगर बच्चों हम पीछे की ओर थोड़ा क्या है, अब पीछे की ओर थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये बिंदु I पर मिल जाती है और यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, बनता है, यानी यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब क्या है कि हम इस पर, यानी जो A है, मिलान बिंदु है, इस पर एक अभिलंब, मतलब इस पे भी एक लाइन खींच देते हैं AN, और N क्या है, P के समीप है। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब चलिए, अब यहां पर जो O है, I है, C है, वो क्या है, मुख्य अक्ष, ये पूरा मुख्य अक्ष है बच्चों। तो मुख्य अक्ष के साथ ये क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा क्या होता है बच्चों, कोण बनाता है, ठीक है ना, अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है। चलिए, इतना तो लिखने वाला काम है बच्चों, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जो हमने बोला वही लिखना है कि माना SPS- एक गोली अवतल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। फिर हमने बताया कि यहां पर बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है तो वस्तु से चलने वाली जो किरण है OA है, वो क्या है, अभिलंब FAC, यानी FAC एक अभिलंब खींचा है, इसकी ओर झुक जाती है, ठीक है ना। दूसरी वाली जो किरण है बच्चों, वो क्या है, OP जो है वो बिना विचलित हुए यानी सीधे ही निकल जाती है। फिर हम क्या करते हैं, जब AB को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये बिंदु I पर मिल जाती है जहां पर इसका प्रतिबिंब है, और जो O है, I है, C है, वो क्रमशः मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाता है। इतना समझ में आ गया। अब यहां से कुछ चीज बच्चों, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, तो P से C के बीच की दूरी क्या हो जाएगी रसगुल्लों, यही थोड़ा समझना है, ठीक है ना।
देखिए, तो ये जो पी और सी के बीच, सॉरी पी और सी, यहां से यहां तक की दूरी जो पी सी है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, माइनस आर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद P से I तक, I क्या है, इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है रसगुल्लों, तो P से I की दूरी क्या हो जाएगी, P से I की दूरी जो हो जाएगी वो क्या है, यानी प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस V से इसको हम दर्शाएंगे। और उसके बाद P से O तक की दूरी जो हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, ठीक, वस्तु के, क्यों यहां पर वस्तु रखी है, तो ये हो जाएगा माइनस का U। ये अभी काम इसका होगा बच्चों। और उसके बाद चूंकि जो यन है वो पी के मतलब एकदम पास में है, ठीक है ना, तो इस सारी दूरियां इसीलिए यहां से नापी जा रही हैं। और यहां पे ए एन और एक दूरी आपको दिख रहा है, ए से यन तक बच्चों जो ए एन है, ठीक, यानी उसकी दूरी क्या है, वो है, यानी उसकी जो हाइट है वो है h, ठीक। चलिए इतना हो गया। तो सबसे पहले अब यहां पर हम लगाएंगे बच्चों एक बहिष्कोण वाला कॉन्सेप्ट, तो गौर से समझिएगा। पहले एक त्रिभुज ओ ए सी में बच्चों ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा रसगुल्लों, नहीं तो सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। ये अल्फा कोण है, ठीक, यहां पर बिंदु ओ है, ये बच्चों हमने बना दिया है ए, और उसके बाद यहां से सी पे आ रहे हैं, ठीक। अब यहां पर देखिएगा ये जो है, यानी जो किरण जा रही है, यानी ये क्या है, आपतित किरण, तो कोण भी जो बनेगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, आपतन कोण। तो यहां का कोण आपतन है, और यहां पे क्या है, जो कोण है बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो कोण है सी पर वो है गामा। अब देखिए अगर हम इसमें गामा बराबर लिखते हैं, यानी ये जो बहिष्कोण है बच्चों, गामा बराबर अगर हम इसमें लिखेंगे तो ये अल्फा प्लस आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी जो त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, यानी उस वाले को छोड़कर, उसके पास के कोण को छोड़कर, अन्य दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब इस तरह से अगर हम कोई चीज खींच देते हैं बच्चों, यहां पर x लिख देते हैं, y लिख देते हैं, यहां पर z, तो x बराबर हमेशा y प्लस z होगा या z प्लस y होगा। तो यहां पर वही चीज है, तो लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में हम लिखेंगे रसगुल्लों, क्या लिखेंगे, यही पर, यानी ये हो जाएगा गामा बराबर, गामा बराबर क्या हो जाएगा, हम OAC की बात कर रहे हैं, गामा बराबर भाई बीच वाले को, बीटा को नहीं देखना है, हम इतने वाले कोण को देख रहे हैं, तो गामा बराबर I प्लस अल्फा हो जाएगा बच्चों, I प्लस अल्फा। तो यहां पर हमें चाहिए आई, तो आई बराबर निकालेंगे जो, तो हो जाएगा बच्चों गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए, इसका काम खत्म। अब दूसरे कोण पर आ जाते हैं, आई ए सी पर। अब मान लेते हैं बच्चों ये आई है, ये सी है, अब देखिएगा आई पे बीटा कोण हो गया है अब, ठीक, और उसके बाद आई ए सी, अब ये वाला जो कोण हो गया है ये कोण आर हो गया है, और यहां पर तो गामा ही है, ठीक है ना, तो अब की बार गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा प्लस आर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज आई ए सी, सॉरी वो नहीं लिखेंगे, त्रिभुज आई ए सी में, इसमें लिखेंगे बच्चों, तो आई आई ए और सी में इसमें आ रहे हैं, तो इसमें गामा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा प्लस आर, ठीक, बीटा प्लस आर। आर क्या है, परावर्तन कोण है, आई क्या है, आपतन कोण। तो यहां से हो जाएगा आर बराबर गामा माइनस का बीटा। इक्वेशन नंबर टू, अब गौर से समझिएगा, अब हम लगाएंगे बच्चों स्नेल का नियम, ठीक है ना। अब लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम रसगुल्लों होता है, क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर बराबर एन टू अपान एन वन, ये होता है स्नेल का नियम, ठीक है ना, ये स्नेल का नियम होता है। अब लिखेंगे बच्चों कि यदि यदि पृष्ठ का व्यास छोटा हो, यानी जो भी ये अवतल पृष्ठ है इसका व्यास छोटा हो, तो जब व्यास छोटा हो जाएगा बच्चों, तो जो साइन आई होगा, साइन आई के स्थान पे केवल आई हो जाएगा और साइन आर के स्थान पे केवल आर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये फार्मूला बन जाएगा आई अपान आर बराबर
N2 अपान N1, भाई इसका हम क्रॉस गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा N1 इंटू आई ठीक बराबर N2 इंटू आर। अब लिखेंगे कि I व R के मान रखने पर ठीक, यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, I तथा R के मान रखने पर, मान रखने पर I व R के मान हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं ठीक वैल्यू को। तो N1 है बच्चों, I के स्थान पर हम क्या रखेंगे, गामा माइनस का अल्फा हो गया ठीक। उसके बाद बराबर इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, यहां पर N2 है और R के जगह पर हम R वाला लिख देंगे बच्चों, तो R के जगह पर क्या है, ये है गामा माइनस का बीटा। थोड़ा अंदर का गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर ये हो जाएगा N2 गामा माइनस N2 बीटा ठीक है ना। देखिए एक काम करते हैं, इसको उधर भगा देते हैं ठीक है ना, इसको यहां लाते हैं तो हो जाएगा N2 बीटा माइनस, देखिए ये वाला इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा और माइनस का यहां पे N1 अल्फा है बराबर इधर है N2 गामा माइनस, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा ये N1 गामा ठीक है ना। अब यहां से हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर, इसमें देखिएगा कुछ कॉमन है, बिल्कुल गामा कॉमन है, N2 हो जाएगा बच्चों माइनस का N1, ये इतना हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा के मान ठीक है ना, हमको निकालना है अल्फा बीटा और गामा के मान। तो पहले इतना स्क्रीन शॉट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए अब यहां से क्या करना है बच्चों, चलिए वो देखते हैं। हमने एक चीज बताया था कि भाई चूंकि ये चीज पहले ही लिखा था, चूंकि जो व्यास क्या है, यानी पृष्ठ का व्यास क्या है बच्चों, छोटा है तो अल्फा बीटा गामा के मान भी क्या होंगे, मान भी छोटे होंगे ठीक है ना, ये मान भी क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर टेन अल्फा ठीक है ना, टेन अल्फा, और यहां से हो जाएगा बीटा बराबर टेन बीटा और उसके बाद गामा बराबर टेन गामा। अब देखिए बच्चों टेन अल्फा, यानी अल्फा के स्थान पे टेन अल्फा हम रखेंगे तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी जरा देख लीजिए भाई, यहां से देखते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है रसगुल्लों भाई, हम इसके लिए सबसे पहले हम अल्फा के लिए निकालेंगे तो लंब है एच, आधार क्या है तो भाई P से O तक की दूरी, हमने बोला ना P N के अत्यंत करीब हो जाएगा, O से P की दूरी क्या है बच्चों, OP है माइनस का U ठीक। इसी तरह tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा के लिए अब आ जाते हैं तो लंब लंब H ही होगा, लंब बटे आधार तो बीटा के लिए तो IP हो गया, IP या PI ये कितना है माइनस का भी है बच्चों। इसी तरह हम tan गामा के लिए निकालेंगे तो tan गामा बराबर लंब बटे आधार, लंब H ही रहेगा और गामा के लिए यानी यहां से इतना ठीक है ना। अब ये मत देखिएगा कि भाई पी कहां ले रहे हैं, तो ये बच्चों इसके करीब है ठीक है ना, तो एन को पी के करीब ही मान लिया गया है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, सीपी क्या है माइनस का आर ठीक, तो ये हो गया माइनस का आर। अब यही चीज हमें इस पर पुट करना है, यानी एन टू बीटा के स्थान पे क्या लिखना है बच्चों, टेन बीटा, एक बार लिख देते हैं नहीं आप लोग परेशान हो जाएंगे ठीक, माइनस N1 उसके बाद अल्फा की जगह पर टेन अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों गामा ठीक है ना, गामा यानी गामा के स्थान पे टेन गामा ठीक, ये देख सकते हैं, और यहां पर N2 माइनस N1 है। अब हम सभी के वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा N2 टेन बीटा के स्थान पर बच्चों क्या हो जाएगा, H अपान माइनस V, ये माइनस का है, फिर N1 है तो यहां से N1 टेन अल्फा के स्थान पर देख लीजिए H अपान माइनस का U, इतना हो गया बराबर टेन गामा, तो टेन गामा का मान है H अपान माइनस का R और यहां पर कोष्टक में है N2 माइनस
N1, ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सही से लिखते हैं यानी सजा देते हैं। ठीक, सजाने का मतलब यह है बच्चों, यहां पर पहले H कॉमन ले लीजिए, H को हमने बाहर निकाल दिया तो बचा क्या N2 अपान माइनस का V हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर बचा N1 अपान U, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों ये देख सकते हैं कि यहां पर क्या है भाई, H हमने बाहर निकाल लिया है, H को बाहर निकाल लिया है, N2 बचा है, यहां पर N1 बचा है, हो गया बराबर का ये H अपान माइनस का R है और N2 माइनस N1 है, ठीक है ना। अब इसको देखिए, ये कट गया, ठीक, इसको कट गया है। अब क्या करते हैं बच्चों, एक चीज ध्यान देना भाई, ये माइनस थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, डोंट वरी, इसको हटा ही देते हैं ना। अब इसको चाहे इसमें गुणा करा देते हैं, ठीक है ना, इसको गुणा करा देते हैं या इसी में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों, ये हो जाएगा N2 अपान वी माइनस N1 अपान यू, ठीक, बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 अपान का R। अब कहेंगे ये नई समस्या क्या है, ये कहां से आया, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, चाहे आप इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए और ये माइनस का काट दीजिए, या फिर इसका इसमें गुणा करा दीजिए, भाई ये वाला माइनस माइनस प्लस कर देगा और ये वाला इसमें जब होगा तो इस वाले को माइनस कर देगा, तो भाई वही चीज रखा है, N2 अपान वी माइनस N1 अपान यू बराबर N2 माइनस N1 अपान R। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फार्मूला, यानी यही डेरिवेशन हमें था मतलब सिद्ध करना, ठीक, यही डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कुछ इस तरह से कभी कभार इस तरह से ना पूछकर इसको एक और तरीके से पूछता है, वो ये होता है कि भाई इसमें N1 का भाग अगर हम लगा देंगे, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं बच्चों, अगर इसी में हम थोड़ा N1 का भाग लगा देते हैं तो ये बन जाएगा N2 अपान N1, गौर से थोड़ा और समझिएगा बच्चों, अपान V हो गया, माइनस N1 से N1 कट गया, 1 अपान केवल U बचा, बराबर इसमें भी क्या हो जाएगा, N2 अपान N1 हो गया, यहां पर N1 से N1 काट देंगे, एक हो जाएगा नीचे R। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, N1 का भाग लगा दिया है, ठीक है ना। अब N2 अपान N1 बराबर N ही होता है स्नेल के नियम से, है ना, N बराबर क्या होता है, यानी N2 अपान N1 के स्थान पे हम N रख सकते हैं, तो यहां पर जब N रखेंगे N अपान V हो जाएगा, माइनस का 1 अपान U हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा N2 अपान N1 के स्थान पे फिर हम N रख देंगे, माइनस यहां पे 1 हो जाएगा और अपान R, यानी जो आपका मेन फार्मूला, इस फार्मूले को कुछ इस कदर भी पूछता है, ठीक है ना, यानी अगर ऐसे भी पूछे बच्चों तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है रसगुल्लों, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये कहां से आ गया, ये बनता है इसी वाले से, ठीक है ना। यहां तक पूछ लेता है कभी कभार ये ऐसे ही लिख के, मेन आपका यही इसी रूप में ज्यादा पूछता है, ठीक, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना कि कहां से आ गया है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये रहा बच्चों गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, आई थिंक इससे ज्यादा भाई आसान नहीं हो सकता। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, इसको अच्छे से देख लेना बच्चों, 5 नंबर का ये टॉपिक है इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।